हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा स्पॉटिंग एरर्स के कुछ लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस। और इस समय ऐसे क्वेश्चन सभी एसएससी एग्जाम्स में, बैंकिंग एग्जाम्स में और दूसरे सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो इनको मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है और IBPS PO प्री के लिए और मेंस के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको फ्री ई बुक्स चाहिए वोकेबलरी की या काफ़ी सारी और भी ई बुक्स चाहिए, तो इस साइट पर आप जरूर जाएं, englishiq.in। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर एक फ्री क्रैश कोर्स भी चल रहा है IBPS PO के लिए, तो इसमें प्री और मेंस दोनों के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसके वीडियो क्लासेस आप देख सकते हैं, IBPS PO फ्री क्रैश कोर्स के नाम से है। और यहाँ पर वोकेबलरी की काफ़ी सारी ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, तो इनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। और SSC CGL 2017 प्री का पूरा वीडियो सॉल्यूशन आपको इस साइट पर मिल जाएगा, तो इसको भी आप जरूर देखें और इससे फ़ायदा उठाएं। देखिए, इस समय जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो थोड़े से लंबे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे यहाँ से इस सेंटेंस को मैं पढ़ता हूँ, द FDI पॉलिसी सेज दैट अ सिंगल ब्रांड रिटेल कंपनी विथ मोर देन 51% FDI नीड टू सोर्स 30% ऑफ इट्स गुड फ्रॉम विद इन इंडिया। फ्रॉम विद इन जो है ये सही है, ये फ्रेज सही है, फ्रॉम विद इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर से। फ्रॉम विद इन का मतलब है कि इंडिया के अंदर से। इट्स भी यहाँ पर सही है। तो इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए और बताइए इसमें कहाँ पर गलती है। इट्स भी यहाँ पर ये सही है, गुड्स भी सही है। गुड्स का मतलब होता है सामान, फ्रॉम का मतलब होता है से, विद इन का मतलब होता है अंदर, अंदर से, तो ये सही है। ठीक है, तो अब आप खुद देखिए और बताइए कि इसमें एरर क्या है। इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को एवेल्युएट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं बताता हूं आपको इसमें एरर कहां पर है। द FDI पॉलिसी सेज, यहां तक ये सही है, FDI पॉलिसी सिंगुलर है तो सेज यहां पर सही है। दैट अ सिंगल ब्रांड रिटेल कंपनी, एक कंपनी की बात हो रही है तो इसलिए यहां पर ए लगा हुआ है, यहां पर ये ए लगा हुआ है, ये सही है। विद मोर देन 51% FDI, देखिए ये नीड किसके लिए आ रहा है, नीड आ रहा है इस कंपनी के लिए। द FDI पॉलिसी सेज दैट ए सिंगल ब्रांड रिटेल कंपनी विद मोर देन 51% FDI, एक सिंगल ब्रांड कंपनी की बात हो रही है जिसका FDI 51% है, उसको क्या करने की जरूरत है, उसकी इसमें बात हो रही है। तो चूंकि सिंगुलर कंपनी है, एक कंपनी है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, यहां पर हम नीड ना बोलते हुए नीड्स बोलेंगे यहां पर। ठीक है, तो ये है टिपिकल बैंकिंग क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चंस बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इस समय SSC में, मेंस एग्जाम्स में पर्टिकुलरली ऐसे ही लंबे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 3 या 4 लाइन के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनमें सब्जेक्ट काफी लंबा होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन इसको आप मान सकते हैं। तो यहां पर नीट के स्थान पर इसमें क्या होगा, नीट्स होगा और सी इसमें सही आंसर आपका होगा। इसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, तो पूरे वीडियो क्लास को प्लीज आप ध्यान से देखिए। और यदि आप फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, यहां से फिर से पढ़ता हूं मैं, इट हैज बीन डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया है, तो हैज बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जो कि सही है। इट भी सही है क्योंकि इसको डिसाइड किया गया है, किसी 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 पॉइंट को, किसी आइडिया को डिसाइड किया गया है। इट हैज बीन डिसाइडेड, डिसाइडेड वॉट, डिसाइडेड वॉट, यहां पर आपका आंसर मिल जाएगा। दैट ऑल प्रोक्यूरमेंट्स मेड फ्रॉम इंडिया, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको प्रोक्यूरमेंट बोलते हैं। ऑल प्रोक्यूरमेंट मेड फ्रॉम इंडिया बाय द SBRT एंटिटी फॉर दैट सिंगल ब्रांड शैल बी, अब शैल बी, विल बी, कुड बी, कैन बी, इनके साथ हम क्या लगाते हैं। शैल के साथ तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, शैल के साथ या विल के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन शैल बी के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल बी या विल बी के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसमें ये बोला जा रहा है कि इट हैज बीन डिसाइडेड दैट ऑल प्रोक्यूरमेंट मेड फ्रॉम इंडिया, जितने भी प्रोक्यूरमेंट्स होंगे, ट्रांजेक्शन होंगे जो इंडिया से होंगे बाय द SBRT, SBRT किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, SBRT एंटिटी फॉर दैट सिंगल ब्रांड शेल बी काउंटेड टूवर्ड लोकल सोर्सिंग, मतलब इंडिया से जितने भी प्रोक्यूरमेंट होंगे उनको लोकल सोर्सिंग में काउंट किया जाएगा, काउंट किया जाएगा, किसी व्यक्ति के द्वारा काउंट किया जाएगा।
तो इसमें एक एजेंट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इसलिए ये पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है। और पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। समझ में आया आपको अच्छे तरीके से? तो इस तरीके से ये सेंटेंस आपको करना होता है। शैल बी के बाद यहाँ पर हम काउंटेड लगाएंगे और सी इसमें आपका सही आंसर होगा। ये स्पॉटिंग के क्वेश्चन हैं और बैंकिंग, SSC, NDA, CDS, CTET सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन हाईली इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए अब इस वीडियो, अब इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए कहां पर इसमें एरर है। द अस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, देखिए जम्मू एंड कश्मीर किसी पहले स्टेट था, धारा 370 थी, लेकिन अब धारा 370 से उसको मुक्त कर दिया गया है और इंडिया की जैसे दूसरी स्टेट्स है वैसे ही वो स्टेट एक बन गई है। तो अस्टवाइल का मतलब होता है फॉर्मर, ठीक है। तो अस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज यहां पर सही है, अस्टवाइल भी यहां पर सही है। अस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज एकस्टम टू मीन्स इट इज यूज टू, और एकस्टम टू एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। इसके बाद हम वर्ब की ING फॉर्म का प्रयोग ही करते हैं। एकस्टम टू द फ्लिकिंग ऑन ऑफ द इंटरनेट क्विल स्विच, देखिए किल स्विच क्या होता है, जैसे जैसे जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पर कोई राइट्स हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है वहाँ पर, तो वहाँ पर इंटरनेट गवर्नमेंट बंद कर देती है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेट किल स्विच। और फ्लिकिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्विच ऑफ करना या स्विच ऑन करना, जैसे जैसे बटन हम दबाते हैं किसी भी चीज़ का। तो एकस्टम के बाद फ्लिकिंग यहाँ पर सही है क्योंकि एकस्टम प्रपोजिशनल फ्रेज है और अपने बाद ING फॉर्म ये लेगा, और यहाँ पर इसको हम नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी सही है। तो ये पूरा सेंटेंस सही है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है और इसका आंसर होगा ई, यानी नो एरर। देखिए इंग्लिश सेक्शन में यदि आप मास्टरी करना चाहते हैं, इंग्लिश सेक्शन की एक अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करना चाहते हैं, तो अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी सब्सक्राइबर्स के लिए मैंने एक ई कोर्स लॉन्च किया है पर्टिकुलरली द हिंदू के लिए। हिंदू बूस्टर आर्टिकल एनालिसिस एंड वोकैबुलरी ई कोर्स है ये, और यदि आप इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करना चाहते हैं, वोकैबुलरी, करेंट वोकैबुलरी आप सीखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्टिव के लिए तैयारी करना चाहते हैं, करेंट अफेयर्स आप अपने पूरे तैयार करना चाहते हैं, ग्रामर आप पूरी तैयार करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक ही ई कोर्स में आपको मिल जाएंगी। इसको आप एक साल के लिए केवल 499 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये वीडियो कोर्स है और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको आप लॉगिन करके रेगुलरली देख सकते हैं, लेकिन इससे जो बेनिफिट आपको होगा वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि तो इसमें मैं कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करूँगा हिंदू के आर्टिकल्स का और एडिटोरियल्स का, और इसके अलावा दूसरे न्यूज़पेपर्स का भी। तो हाईली यूजफुल रहेगा ये बैंकिंग के लिए, SSC के लिए, NDA, CDS और दूसरे सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। चलिए यहाँ से इस क्वेश्चन को देखते हैं। अपियरिंग फॉर द इनकम्बेंट गवर्नमेंट ऑन ए पिटीशन चैलेंजिंग द कम्युनिकेशन शट डाउन ऑफ कश्मीर, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया KK वेणुगोपाल मेड द नेसेसरी फॉर लॉ एंड ऑर्डर आर्ग्यूमेंट। देखिए एक तो हम किसी के फेवर में आर्ग्यू करते हैं, एक अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो यहाँ पर फॉर मतलब फेवर में एक व्यक्ति आर्ग्यूमेंट कर रहा है और अटॉर्नी जनरल की बात हो रही है, अटॉर्नी जनरल ये केस लड़ रहे हैं वेणुगोपाल। इनकम्बेंट गवर्नमेंट का मतलब है कि जो गवर्नमेंट अभी ऑफिस में है, जो गवर्नमेंट अभी प्रेजेंट में है, ठीक है। तो अपीयरिंग फॉर द इनकम्बेंट गवर्नमेंट ऑन ए पिटीशन चैलेंजिंग द कम्युनिकेशन शट डाउन ऑफ कश्मीर, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया KK वेणुगोपाल मेड द नेसेसरी फॉर लॉ एंड ऑर्डर आर्ग्यूमेंट। काफी अच्छा ये सेंटेंस है, लेकिन यहां पर एक चीज आप ध्यान से देखिए, इन्होंने मतलब ये डिफेंड कर रहे हैं उस चीज को, मतलब किसी व्यक्ति ने एक पिटीशन फाइल की है जिसने जिसने जिसमें उसने चैलेंज किया है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो कम्युनिकेशन शटडाउन है वो क्यों हुआ है, तो अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसमें जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली अपीयरिंग को हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, जब दो काम एक साथ होते हैं तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, एक तो अपीयर हो रहे हैं और एक वो मेड कर रहे हैं, मतलब अपीयर होते हुए वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल को हमने यूज किया है। लेकिन कम्युनिकेशन शटडाउन जो की बात जो हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, कम्युनिकेशन शटडाउन ऑफ कश्मीर क्यों होगा, कश्मीर का कम्युनिकेशन शटडाउन थोड़ी है ये, शटडाउन एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कश्मीर को बिलोंग करती है, यहाँ पर हम बोलेंगे कम्युनिकेशन शटडाउन
इन कश्मीर, ये देखिए कितनी सटल इसमें मिस्टेक है, कम्युनिकेशन शटडाउन इन कश्मीर, यहां पर सही आंसर आपका होगा और सी इसमें आपका आंसर बनेगा। तो इस तरह की इरर्स पूछी जा रही हैं इस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टर मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर सेड ऑन वेंसडे दैट द बिगेस्ट पनिशमेंट फॉर पीपल वॉज नॉट हैविंग अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें भी जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही है कि सबसे बड़ा पनिशमेंट लोगों के लिए ये है कि उनके पास कोई बात करने का, कम्युनिकेट करने का साधन नहीं है। दे आर नॉट हैविंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड नॉट बीइंग एबल टू टॉक टू एनीवन, और वो लोगों से बात करने में असमर्थ हैं। तो यहाँ पर बीइंग के स्थान पर हम बोलेंगे नॉट बीइंग एबल टू। चूंकि यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगा है, तो यहाँ पर ये एट एंड से जुड़ा है, तो यहाँ पर भी हम आईएनजी फॉर्म ही लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बीइंग आएगा ना कि बीइंग। बीइंग जो होता है ये हैज बीन और हैव बीन के साथ आता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों के बारे में बता रहे हैं कि लोगों की सबसे बड़ी पनिशमेंट क्या है, कि उनके पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है और वो दूसरे लोगों से बात करने में असमर्थ हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे नॉट बीइंग एबल टू टॉक टू एनीवन, ठीक है। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा और डी इसमें आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज इट्स बोर्ड मीटिंग ऑन मंडे डिसाइडेड टू ट्रांसफर 1.76 लाख करोड़ टू द सेंटर इंक्लूडिंग द इंटरिम डिविडेंड ऑफ 28,000 करोड़ पेड इन फेब्रुवरी विच इज लाइकली टू एड्रेस द प्रीकेरियस फिस्कल सिचुएशन ऑफ द गवर्नमेंट टू ग्रेट एक्सटेंट। आप देखिए आराम से इस सेंटेंस को, पूरे सेंटेंस को आराम से देखिए, बताइए इसमें कहाँ पर एरर है, अपने आप करके देखिए। आप चाहें तो पॉज भी कर सकते हैं वीडियो को। प्रीकेरियस का मतलब होता है क्रिटिकल, जो अनस्टेबल है। फिस्कल मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन। तो आपने देखा इसमें कहां पर एरर है। देखिए इसमें जो एरर जो है वो यहां पर है, गवर्नमेंट टू आ ग्रेट एक्सटेंट होता है, जो सही फ्रेज है वो है टू आ ग्रेट एक्सटेंट, काफी हद तक। टू अ ग्रेट एक्सटेंट का मतलब है काफ़ी हद तक। तो काफ़ी बड़ा ये सेंटेंस है, लेकिन जो मिस्टेक है वो माइनर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें मिस्टेक है। तो ये हैं क्वेश्चंस, रियल क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे सभी बैंकिंग और सभी एसएससी एग्जाम्स में। चलिए आगे देखते हैं। द कन्वीनर मतलब जो मीटिंग लेता है, द कन्वीनर एन इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर एंड द फॉर्मर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस मेंबर लेजिस्लेशन अरविंद मोदी हु वॉज क्लोजली, यहाँ पर गलती है इसमें, वॉज के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हु वॉज क्लोजली इन्वॉल्व्ड, यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बी इसमें आपका सही आंसर होगा, ठीक है। सुपर एन्यूएट का मतलब होता है रिटायर होना, सुपर एन्यूएट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। द हॉट एरिड डेजर्ट ऑफ कच्छ हैज बीन वंस अ ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट विद वैरायटी ऑफ बर्ड्स फ्रेश वाटर फिश एंड पॉसिबली जिराफ्स एंड राइनो। मतलब जो हॉट और एरिड मतलब सूखा जो डेजर्ट है कच्छ का, देखिए वंस को हम हैज बीन के साथ नहीं लगा सकते। वंस का मतलब है कि एक बार या कभी कभी ये ऐसा होता था, वहां पर कभी ऐसा होता था। जो हॉट एरिड डेजर्ट है कच्छ का, ठीक है, वो कभी कभी ह्यूमिड हुआ करता था। अब वो गर्म हो गया है, हॉट हो गया है, लेकिन वो कभी ह्यूमिड हुआ करता था और वहाँ पर फ्रेश वाटर फिश होती थी, जिराफ होते थे, राइनोज होते थे। तो ये बता रहे हैं इसमें, द हॉट एरिड डेजर्ट ऑफ कच्छ वॉज लगा सकते हैं यहाँ पर, वॉज वंस आ मतलब कभी किसी जमाने में ये ह्यूमिड हुआ करता था। तो यहाँ पर हम वॉज लगाएंगे, हैज़ बीन नहीं लगाएंगे। हैज़ बीन का मतलब तो है कि शुरू से लेके अब तक रहा है, लेकिन यहाँ पर दो सिचुएशन की बात हो रही है कि पहले वो ह्यूमिड था और अब वो हॉट हो गया है। तो पास्ट इंसिडेंट की इसमें बात हो रही है, इसलिए हम वॉज लगाएंगे। हैज़ बीन का मतलब तो होगा कि पहले भी ह्यूमिड था और अभी भी ह्यूमिड रहा है, अभी भी ह्यूमिड है। इट हैज़ बीन अ ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो हैज़ बीन का जो एप्लीकेशन है यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में जब तक आप इंग्लिश सेक्शन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करेंगे, इंग्लिश सेक्शन की अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए कि किस सेंटेंस में किस वर्ड को किस किस लिए
यूज किया जा रहा है और कैसे यूज किया जा रहा है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका सेंस क्या निकल रहा है, ये सारी चीज़ें आती हैं आपको रीडिंग से। रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप दूसरी अगर चीज़ें करते रहेंगे तो किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में बड़ा मुश्किल होगा निकलना। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैंने एक ई कोर्स लॉन्च किया है द हिंदू के नाम से। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, द सबमिशंस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द तमिलनाडु गवर्नमेंट इज इन सपोर्ट ऑफ लिंकिंग सोशल मीडिया प्रोफाइल्स ऑफ रजिस्टर्ड यूजर्स विद देयर आधार नंबर्स। देखिए ये भी काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। यदि यदि आप देखें इसमें रियल सब्जेक्ट, रियल जो सब्जेक्ट है वो यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से शुरू होकर ये सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट है, सॉरी, ठीक है, मतलब जो रियल सब्जेक्ट है वो यहाँ तक है इसमें। और इसमें एक्चुअली जो रियल सब्जेक्ट है वो है इसमें सबमिशंस। तो इसलिए इसमें जो वर्ब आएगी यहाँ पर ये आएगी आर, आप पढ़ के देख सकते हैं इसको, ये यहाँ पर आर हम यूज करेंगे। बाकी इसमें एज इट नाउ स्टैंड सही है, वेल फाउंडेड सही है, ठीक है, तो इसकी जगह स्थान पर हम इसमें आर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। उड़ान की इसमें बात हो रही है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम हैज़ बिकम अ गेम चेंजर, यहाँ तक ये सही है, एज इट फ्लैगशिप प्रोग्राम। यहाँ पर उड़ान जो स्कीम है उसकी बात हो रही है और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर फ्लैगशिप प्रोग्राम क्या है, नाउन है, नाउन से पहले यहाँ पर क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, तो एडजेक्टिव जो होगा वो होगा दिस, एज दिस फ्लैगशिप प्रोग्राम, ऐसे हम बोलेंगे, इट नहीं बोलेंगे, इट तो प्रोनाउन होता है, यहाँ पर आपको एडजेक्टिव चाहिए इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हम लगाएंगे दिस, एज दिस फ्लैगशिप प्रोग्राम। देखिए कितना अच्छा ये एरर है इसमें, तो इसमें आपका आंसर होगा बी। ये सारी चीज़ें आपको आएंगी अंडरस्टैंडिंग से। अंडरस्टैंडिंग जितनी ज़्यादा डेवलप करेंगे उतना ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अब चलिए यहाँ से देखते हैं, अ बायलेटरल बिजनेस डायलॉग वॉज इंक्लूडेड इन द बिजनेस प्रोग्राम ऑफ ईईएफ इन 2017 एंड 2018। इंडिया वॉज वन ऑफ द 18, वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन आएगी, प्लूरल नाउन तो है इसमें, अंडर विच रशिया सिंप्लीफाइड इलेक्ट्रॉनिक वीजाज टू इनकरेज टूरिज्म इन द फार ईस्ट। क्या आएगा देखिए इसको आराम से देखिए आप और बताइए इसका आंसर क्या होगा। बायलेटरल बिजनेस डायलॉग वॉज इंक्लूडेड इन द बिजनेस प्रोग्राम ऑफ ईईएफ इन 2017 एंड इन 2018। इंडिया वॉज वन ऑफ द 18 कंट्रीज अंडर विच, नहीं होगा इसमें, होगा फॉर विच रशिया सिंप्लीफाइड इलेक्ट्रॉनिक वीजा, मतलब इंडिया उन कंट्रीज में से एक थी जिनके लिए रशिया ने वीजा की जो प्रोसेसिंग है उसको सिंप्लीफाइड किया था। तो अंडर विच तो मतलब होता है इसके अंतर्गत, लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि रशिया ने कुछ कंट्रीज़ का जो वीज़ा प्रोसेसिंग थी उसको सिंप्लीफाई किया था और इंडिया उसमें से एक थी, ठीक है। इंडिया वॉज वन ऑफ द 18 कंट्रीज फॉर विच रशिया सिंप्लीफाइड इलेक्ट्रॉनिक वीज़ास। तो यहाँ पर अंडर के स्थान पर यहाँ पर आएगा फॉर, ठीक है। इसका कॉन्टेक्स्ट यदि देखें तो यहाँ पर अंडर विच का कोई सेंस नहीं है, फॉर विच का एक सेंस बन रहा है। तो इस तरह के एरर्स को आपको करना है, ना कि रूल बेस्ड एरर। रूल बेस्ड एरर तो अब आते ही नहीं है, ना के बराबर आते हैं जिन पर रूल आपके आपसे पूछा जाता है। सारे वर्ल्ड रिलेटेड एरर्स इस समय पूछे जा रहे हैं बैंकिंग और SSC दोनों ही एग्जाम्स में। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। मिस्टर ट्रंप ड्र्यू अटेंशन फ्रॉम द फैक्ट, ड्र्यू अटेंशन का मतलब ध्यान खींचना, ड्र्यू अटेंशन पास्ट टेंस है ये, ड्रॉ अटेंशन प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, ड्र्यू अटेंशन ये पास्ट टेंस है, तो ड्र्यू अटेंशन, लेकिन हम किसी चीज की तरफ ध्यान खींचते हैं। मिस्टर ट्रंप ड्र्यू अटेंशन टू, यहां पर टू होना चाहिए यहां पर, ठीक है, तो इसमें आंसर होगा आपका बी और बाकी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, कंजस्टेड स्ट्रीट्स एंड पॉल्यूटेड एयर आर कॉमन एक्सपीरियंसेज इन इंडियाज मेट्रोपोलिसिस ऑल्दो द एवरेज इंडियन कॉन्ट्रीब्यूट्स ओनली मिनिस्क्यूल अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस इन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज।
देखिए ये भी एक काफी अच्छा सेंटेंस है, मतलब यहां पर ये बता रहे हैं कि पॉल्यूटेड एयर जो है और कंजस्टेड स्ट्रीट जो हैं ये कॉमन एक्सपीरियंस हैं इंडिया में, मेट्रोपॉलिस में, बड़ी बड़ी सिटीज में, और जो आम आदमी है वो बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करता है कार्बन रिलेटेड जो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पर एक्चुअली कंट्रीब्यूट्स के बाद यहाँ पर हम लगाएंगे टू, यहाँ पर कंट्रीब्यूट्स के बाद एन नहीं आता, कंट्रीब्यूट्स के बाद हम लगाते हैं टू, ठीक है। तो डी इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, देयर इज अ बिलीव। देखिए शुरू में ही इसमें एरर पकड़ में आ गई, ए लगा हुआ है, ए लगा हुआ है इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, नाउन आएगा, और बिलीव का नाउन फॉर्म क्या है, बिलीव का नाउन फॉर्म है बिलीफ आएगा यहां पर, तो ए इसमें आपका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से मैंने इसमें 14 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, इनसे आपको हेल्प मिलेगी। और इंग्लिश सेक्शन की अंडरस्टैंडिंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग यदि आपको डेवलप करना है तो उसके लिए मैंने एक हिंदू का ई कोर्स एक लॉन्च किया है जो कि सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए हाईली यूजफुल रहेगा। इसमें 1 महीने में 12 से 15 वीडियो क्लासेस मैं अपलोड करूँगा, 1 साल में करीब 150 वीडियो क्लासेस इसमें आएंगी, और 1 साल के लिए इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका 499 इसकी फीस है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये कोर्स आपका तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो स्क्रीन पर जो नंबर्स दिए गए हैं इनके थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। टिल देन बाय एंड हैव एन ऑसम डे। थैंक यू।